वो जो लोगों को अहमान है कि दूध गिर जाए तो उसमें बचुकनी होती है, काली बुजुर्ग है को काला कुत्ता देख लिया बचुकनी होती है। देखिए बात ये सारे के सारे के जो कॉन्सेप्ट है ये मेड इन इंडिया पाकिस्तान वगैरह का है, इसका कोई ताल्लुक नहीं, एक मुसलमान के साथ तो ताल्लुक नहीं है। जब मुसलमान का अकीदा होता है कि सिर्फ एक ही अल्लाह अच्छाई और बुराई का मालिक है, सिर्फ अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, तो क्या अल्लाह ताला आपको ये निशानी देने के लिए आपके आगे से काली बिजली गुजरवाएगा? क्या अल्लाह ताला आपको कोई निशानी देने के लिए आपके हाथ से दूध गिरवाएगा? तो ये सारे के सारा सिस्टम जो है एक शिरकिया सिस्टम है। ये फिर क्या होता है कि ये जो लोग इस चीज से हट जाते हैं फिर भी शैतान उनके दिल में वहम डालता रहता है, भाई ऐसा हुआ था तब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ था तब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा हुआ था। तो इन चीजों से बिल्कुल दूर रहें, कुछ भी सच नहीं होता, करने वाली जात सिर्फ एक अल्लाह की है। जैसे अभी मैंने बात की थी कि सूरह यूनुस की आयत नंबर 110 में अल्लाह फरमाते हैं, वाई यमसकल्लाहु बिद्दुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू वाई युरिदका बिखैरिन फला रादले फदले। एक अल्लाह की जात ही है आपकी सारी शिफा देने वाली, तकलीफ दूर करने वाली, और ये सारी इस किस्म की जो चीजें होती हैं सारी शिरकिया चीज होती हैं। इन चीजों की तरफ मत जाएं, सिर्फ एक अल्लाह पर भरोसा रखें, अपनी इबादत पक्की करें, गुनाहों से दूर रहें और अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक बना के रखें। ये एक मुसलमान का अकीदा है।